हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ZSR सर्कमसीजन ओरिजिनल ZSR सर्कमसीजन बहुत ही अच्छा है, बहुत मरीज़ करा चुके हैं, बहुत मरीज़ कराएंगे इन द फ्यूचर। और जो टाइट फोरस्किन है या किसी को फोरस्किन इश्यूज़ है तो उसमें ZSR ओरिजिनल के बहुत बेनिफिट्स है। आज मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमने ZSR सर्कमसीजन में एक वर्जन 2.0 जिसको ZSR ग्रीन भी बोलते हैं तो वो इंडिया में लॉन्च किया है। तो ZSR 2.0 मतलब जो ZSR सर्कमसीजन का एक एडवांस्ड वर्जन आज हम लॉन्च करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप डॉक्टर कुबेर पुणे में उनको फॉलो करते हैं तो उन्होंने कुछ महीने पहले से इसकी बारे में बात करनी शुरू की थी। ये 2.0 सर्कमसीजन या एडवांस्ड सर्कमसीजन भी हम कुछ मरीजों में पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो पहले नहीं बनाया बिकॉज़ मैं चाहता था कि एक बार मैं खुद 100-150 मरीज़ों में सर्जरी करके देख लूँ कि ये स्टेपलर जो नया ZSR 2.0 है ये बेहतर है और आप तक इसके क्या बेनिफिट्स है बताने से पहले मैं एटलीस्ट खुद कन्विंस हो जाऊँ कि इस सर्जरी के बेनिफिट्स है या नहीं है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ZSR 2.0 हमारे पुराने ZSR जो 1.0 है उससे थोड़ा बेहतर ज़रूर है, पर ये हर मरीज़ के लिए नहीं है, ये कुछ स्पेशल मरीज़ों के लिए है जिनकी प्रॉब्लम बहुत स्पेसिफिक है। और आज के वीडियो में मैं आपको ये जो नया वाला जो स्टेपलर है ZSR 2.0 इसको दिखाऊंगा भी और इस स्टेपलर के क्या बेनिफिट्स है वो आपको बताऊंगा और किन मरीज़ों में इस स्टेपलर में कोई यूज़ करने का एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ZSR सर्कमसीजन कराने की सोच रहे हैं और आप अपने लिए कुछ बेहतर चाहते हैं या कुछ और प्रीमियम चाहते हैं तो अब आपके पास ZSR 2.0 का भी ऑप्शन है। तो मैं हूँ डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोगों का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर। और मैं एक यूरोलॉजिस्ट मतलब एक सर्जन भी हूँ और मेरे पास एक बहुत बड़ा बल्क फोर स्किन की प्रॉब्लम्स का है। और फोर स्किन की प्रॉब्लम्स में एज यू नो सर्कमसीजन का एक बहुत बड़ा रोल है और आज के दिन सर्कमसीजन का गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो ZSR सर्कमसीजन को ही मानते हैं। पर पिछले कुछ सालों में हमने कई हज़ार ZSR सर्कमसीजन किए हैं, मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड कई सर्जन्स को ZSR ओरिजिनल सर्कमसीजन में ट्रेन किया है। मेरी वजह से आज ZSR जो है वो कम से कम 20 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में, मिडल ईस्ट में और बहुत सारी कंट्रीज़ में सर्जन्स मेरे वाया ट्रेन हुए हैं। और वहाँ के भी जो पेशेंट्स हैं, जो मुश्किल पेशेंट्स हैं, जो वो सर्जन्स नहीं मैनेज कर पाते वो मेरे पास दिल्ली आते हैं और अपनी सर्कमसीजन को कराते हैं। पर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद डेफिनेटली आपको कई बार लगता है कि क्या हम इससे भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्या हम किसी चीज़ को जो चीज़ ऑलरेडी अच्छी है हम क्या उसको और बेटर या हम उसको और अच्छा या हम उसको और सुरक्षित बना सकते हैं। तो कुछ मरीज़ों में 99% पेशेंट्स में हमारा जो ट्रेडिशनल ZSR सर्कमसीजन है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। पर कुछ पेशेंट्स जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा कई बार इन्फेक्शन रहता है या बहुत ज़्यादा कई बार सूजन रहती है, ग्रेड 4-5 सर्कमसीजन्स मतलब उनमें जिनमें कम्प्लीटली स्किन बंद है, बिल्कुल हमारे स्टेपलर डालने की जगह नहीं होती, कुछ पेशेंट्स जो बहुत स्पेसिफिक डिमांड से आते हैं कि हमें सिर्फ इतनी ही स्किन निकलवानी है या हमें सिर्फ इतना ही निकालना है, कुछ मरीज़ जिनका जो फ्रेंडलम है जो स्किन की आगे की सील होती है वो किसी स्पेसिफिक टाइप की होती है जिसके अंदर हमें उसको कट करने में या हमें उसको सेपरेट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो ये कुछ मरीज़ है, जैसे 100 में से ही ऐसे 5 मरीज़ होते हैं जिनके अंदर जो ZSR सर्कमसीजन है वो थोड़ा सा कई बार डिफ़िकल्ट रहता है या उसमें थोड़ी सी कई बार हमें रिज़ल्ट के अंदर लगता है कि इसमें हीलिंग में टाइम लगेगा या इसके अंदर हमारे पास अगर ये ऑप्शन होते तो क्या हम कुछ बेहतर कर सकते थे। तो इसी फीडबैक से जो हमारी कंपनी है ZSR जो एक मैन्युफैक्चर करती है उनसे बात करके उसमें हमने जो ओल्ड जो ZSR था इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस कराए हैं। ये चेंजेस इसलिए कराए गए ताकि जिन मरीज़ों में हमें इसको यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती या जिसके अंदर हमें थोड़ा सा और बेहतर चाहिए था उसके अंदर हम इस ZSR ग्रीन क्यों, क्योंकि इसमें ग्रीन सिक्योरिटी नॉब है, डब्बा भी ग्रीन है तो ZSR ग्रीन भी नाम दिया है इसको, या ZSR 2.0 को हमने यूज़ किया है। तो ZSR 2.0 जो हमारे ओल्ड सर्कमसीजन है उससे किस तरीके से डिफरेंट है, पैकिंग वही है, ETO पैकिंग है पूरा, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है, ये भी FDA अप्रूव्ड है, इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। तो जैसे ये इसकी एक तो पैकिंग भी सिमिलर है, पैकिंग का एडवांटेज क्या है, जो ये ZSR स्टेपलर्स है
दीज आर डिस्पोजेबल स्टेपलर, जिनको जो है एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, फिर से यूज़ नहीं करते, और ये प्री पैक्ड आते हैं, इनके अंदर प्रॉपर स्टरलेशन होती है, मार्किंग होती है। आप देखेंगे जैसे इसके ऊपर भी ये मार्किंग है जो बताता है कि दिस कलर इज़ ब्राउन आफ्टर स्टेरलाइज, मतलब कि अंदर जो भी डिवाइस है वो कम्प्लीटली क्लीन और स्टेरलाइज निकलेगा। कई डिवाइसेस जो लोकल जिसको लेज़र बोलते हैं या जो लोकल डिवाइसेस है उनके अंदर इतनी प्रीमियम पैकिंग नहीं होती है, ना ही वो स्टराइल होता है, वो सिर्फ चाइना से या जहाँ से भी आ रहे हैं पैक होके आते हैं और उसमें इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। ये स्टेपलर की भी आप देखेंगे हैवी मेटल बॉडी है, मेटल बिल्ड है, इसके अंदर भी वही ZSR के जो एर्गोनॉमिक्स है फॉलो किए है। पर जैसे मैं कई बार हफ्ते में 50-70 सर्कमसीजन्स भी कई बार मारे या होते हैं, इतने सर्कमसीजन होते हैं तो कई बार 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 फायरिंग करके हैंड में, सर्जन के हैंड में कई बार डिस्कम्फर्ट या पेन रहता है। हमने इसका जो ये होल्डिंग एंगल है इसको बेटर बनवाया, और इसके अंदर बेस्ट बात क्या है कि फायर करने के बाद हमको इसको दबा के रखना नहीं पड़ता, इसके अंदर एक लॉक मैकेनिज्म दिया गया है कि एक बार फायर किया तो ये स्टेपलर अपने आप बंद रहता है। मेरे ZSR 2.0 के सर्जिकल वीडियोज़ है जो दूसरे चैनल पे है जिसको आप देख सकते हैं, तो दबाया तो हमको इसको दबाने के बाद इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉक हो जाता है, इससे सर्जन का हैंड का स्ट्रेन भी कम होता है। इसके एडवांटेज ये है कई बार अगर सपोज सर्जन ने दबाया और प्रॉपर प्रेशर नहीं दिया तो जो जो हमारा क्रशिंग है या जॉइंट है वो लूज़ रहता है, इसलिए कई बार नए सर्जन प्रॉपरली जॉइंट नहीं कर पाते। इसमें क्योंकि एक लॉक है और प्रेशर हमेशा रहेगा तो लॉक करके हम इसको छोड़ सकते हैं, अपने आप नीचे जो है पूरे डिवाइस को सील कर देगा। फिर तो एक तो इसमें ये सर्जन स्ट्रेन कम है, एक इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम स्टेपलर हमेशा फायर होगा, लॉक करने के बाद छोड़ देंगे तो स्टेपलर फायर्ड रहेगा, और आपकी जो चांस होता है नॉर्मली जो ZSR के अंदर जो फायरिंग रेट है वो 100% रहता है, मतलब कि अगर आपने फायर किया तो स्टेपल ज़रूर लगेगा, पर 100 में से कभी एक केस में हो सकता है कि किसी मार्जिन पर स्टेपल ना लगे, वो इस लॉक की वजह से प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। सेकेंड एडवांटेज, आप देखेंगे इसके अंदर एक विंडो है, कई बार जब हम सर्जरी करते हैं और फोरस्किन बहुत ज़्यादा है या कोई मार्किंग करी है या प्रॉपरली एनविल नहीं है अंदर, तो कई बार एज अ सर्जन हमारे दिमाग में डाउट रहता है कि ये तो पॉसिबल नहीं, हम कोई गलत जगह हम फायरिंग कर रहे हैं या जो ये ओरिजिनल ZSR है ये कोई, तो वो विद एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं विद फीलिंग हैंड्स या विद जो तरीका है, पर इसमें हमने विंडो बनवाई है। विंडो का एडवांटेज ये है कि अगर हमने अंदर से स्किन को मार्क कर रखा है तो हम एग्जैक्टली सर्जरी से पहले देख सकते हैं कि कौन सा हिस्सा कटने वाला है, तो हम अंदर देख सकते हैं कि सर्जरी का कौन सा पार्ट जो है वो कटेगा, तो हम बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी स्किन हमें काटनी है कितनी स्किन नहीं। फिर इसमें एक बेनिफिट जो है वो है इसकी एनविल में, आप देखेंगे इसका एनविल भी हमने स्पेशली डिज़ाइन कराया है, तो ये आप देखेंगे इसका एनविल, ये भी फुल स्टेनलेस स्टील का बहुत हैवी एनविल है, लोकल नहीं है। इसके अंदर हमने इसके एक तो डिज़ाइन देखी है, जो रेगुलर ZSR का एनविल है ये बहुत माइनर टेक्निकल डिफरेंसेस है, आइडियली देखा जाए तो एक जनरल पेशेंट के लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप स्पेसिफिक, क्योंकि आजकल जो लोग हैं जो लड़के हैं वो बहुत रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आप एक्चुअली जानना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल है कि कैमरे का फ़ोन है, 90% लोग खाली पैसे देख के फ़ोन खरीदते हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए एक अच्छा लेंस चूज़ करते हैं, उसी तरह अगर आपको बहुत स्पेसिफिक प्रीमियम प्रोडक्ट है तो आप देखेंगे इसके अंदर हमने जो इसका एनविल है उसको हमने एंगुलेशन किया है। एंगुलेशन के दो फायदे हैं, पहला जो हमारा फ्रेनुलम है वो तरीके से कटता है, सेकेंड है इसमें एक फ्रेनुलम का नॉच दिया है। फ्रेनुलम नॉच का एडवांटेज ये है जब हम इसको फायर करते हैं तो फ्रेनुलम है, फ्रेनुलम नहीं कटता, फ्रेनुलम पे डैमेज नहीं होता, फ्रेनुलम पे इंजरी नहीं होती, फ्रेनुलम पे स्टेपल नहीं लगता, और इसके अंदर एक फ्रेनुलर विंडो भी है। कई बार अगर आप इसको एनविल को अंदर डालें और आप देखना चाहते हैं कि हमारा फ्रेनुलम एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो ये विंडो से कई बार हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि, तो जैसे अगर ये हमने ये डाला फ्रेनुलम में और ये इसको लगाया हमने और हमने इसको टाइट किया, तो हम एक्चुअली विंडो के थ्रू देख सकते हैं एग्जैक्टली कि क्या ये फ्रेनुलर नॉच जगह पे है नहीं है, फ्रेनुलम खिंच तो नहीं रहा है, वहाँ कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, कितनी स्किन निकल रही है, तो विंडो की वजह से हम पूरी सर्जरी को एक लाइव तरीके से देखते हुए कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आगे वाला हिस्सा है एलिवेटेड है तो फ्रेनुलम हमेशा डिग्री है एंगुलेशन पे कटता है, एंगुलेशन पे कटने की वजह से कई पेशेंट जिनमें फ्रेनुलम बहुत ज़्यादा स्कार्ड है या जिनमें उन्होंने फ्रेनुलम रिलीज़ किया है और हम चाहते नहीं कि फ्रेनुलम बहुत ज़्यादा खिंच जाए, वह हमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। फिर आते हैं इसका
फायरिंग मैकेनिज्म मैंने बताया आपको ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर एक एडवांटेज ये है कि इसमें एक तो अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लॉक है। लॉक करने की वजह से पेशेंट सर्जन स्ट्रेन भी कम पड़ता है और मिस फायरिंग रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। ये अपने आप लॉक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा या कम नहीं होता, बिल्कुल जो एडिक्वेट प्रेशर रिक्वायर्ड है उतना ही प्रेशर पर ये अपने आप लॉक हो जाएगा। उसके अलावा जो इसके अंदर का जो कन्वेंशनल जो ZSR के अंदर था, वही सेम क्वालिटी ऑफ स्टेपल्स और सेम क्वालिटी ऑफ रिंग है। जो ओरिजिनल ZSR है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी सिलिकॉन की रिंग, और वो सिलिकॉन की रिंग सेम इसमें रिटेन की गई है। जो ये सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं ये बहुत हाई ग्रेड सिलिकॉन है, ये एक्चुअली इम्प्लांटेबल ग्रेड सिलिकॉन है, मतलब कि इस सिलिकॉन को अगर शरीर के अंदर भी लगाया जाए लेंसेज में या हार्ट के वॉल्व में तो ये उस लेवल का सिलिकॉन है। और इसके अंदर जो रिंग्स यूज़ करी गई है वो रिंग्स एज यूजुअल, उन रिंग्स का क्वालिटी, रिंग्स का साइज़, रिंग्स की शेप, रिंग्स की थिकनेस, उनकी निकलने की पावर एज सिमिलर टू द ओल्ड ZSR है। तो आज का ये वीडियो न्यू ZSR, ZSR ग्रीन, ZSR 2.0 पे था। ये धीरे धीरे जितने भी ऑथराइज ZSR सेंटर्स हैं उन पे अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये लिमिटेड क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है। इसका मेन एडवांटेज है उन मरीज़ों में जिनके अंदर कुछ हमें प्रीमियम चाहिए या जिनके अंदर हमारे को कन्वेंशनल ZSR थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक, हम काफ़ी केसेस कर चुके हैं, रिव्यूज़ विल बी शेयर्ड विद टाइम। इसके इनिशियल सर्जिकल वीडियोज़ मेरे इंग्लिश चैनल पे है, आप चाहे लिंक में देख सकते हैं। इसके बारे में और अपडेट्स मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा। तो आप अगर हमारे क्लिनिक पे कॉल करेंगे या ZSR करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी अपनी इंक्वायरीज दे सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।